नमस्कार दोस्तों, टॉप सीक्रेट टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल के कुछ सीक्रेट कोड्स की, जो शायद आपको पता होगे या नहीं पता होगे। पहला कोड है *43#, *43#। इसको अगर आप डायल करते हैं तो आपका कॉल अगर वेटिंग पे नहीं होता तो कॉल वेटिंग सर्विस एनेबल हो जाएगी। और अगर आपको ये कॉल वेटिंग सर्विस बंद करना है, ठीक है, तो स्टार आपको यूज़ करना होगा उसके लिए *##43# और डायल करना होगा। इस तरह कॉल वेटिंग सर्विस जो है बंद हो जाएगी। अब यह है दूसरा कोड *#***#**#**#*#**#***#**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 *
वाईफाई की जानकारी, ऐप्स यूजर्स, कई जानकारी आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इस कोड का इस्तेमाल करके आप अपने मोबाइल की बैटरी के, देखिए आपको यहाँ पे बैटरी की हेल्थ, बैटरी का कितना वोल्टेज है, बैटरी का टेम्परेचर और बैटरी कौन सी टेक्नोलॉजी की, लिथियम आयन है या लिथियम पॉलीमर है और कब से चालू किया है, फोर टाइम आपको इसमें बैटरी का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और फोन इंफॉर्मेशन अगर बात करें तो यहाँ पे आपको IMEI नंबर मिल जाता है, उसके नीचे जो है आपको सिग्नल स्ट्रेंथ मिल जाती है, लोकेशन मिल जाती है, ये डिटेल यहाँ से आप आपका जो सिग्नल टाइप है, नेटवर्क टाइप है, वो चेंज करवा सकते हैं दोस्तों। तीसरा कोड है दोस्तों *#21#। इसको अगर यूज़ करते तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मैसेज, कॉल या कोई डेटा दूसरी जगह फॉरवर्ड हो रहे हैं कि नहीं, वॉइस नॉट फॉरवर्डेड। देखा है, इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपके कॉल किसी नंबर पे फॉरवर्ड हो रहे हैं या नहीं। अब जो कोड बताने जा रहा हूँ उससे आपको आपका IMEI नंबर मिल जाएगा दोस्तों। IMEI नंबर एक 14 डिजिट का नंबर होता है जो आपको पता होना ज़रूरी है। हर मोबाइल की पहचान उसके IMEI नंबर से ही होती है। जब आपका फ़ोन खो जाता है तो पुलिस आपके फ़ोन को इसी नंबर से ट्रैक करती है। उसके लिए आपको मोबाइल में डायल करना होगा *#06#। इस तरह आपको आपका IMEI नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट पांचवा कोड है, अगर आपको आपके फ़ोन की कॉलर आईडी छुपानी है तो उसके लिए डायल करना होगा आपको *#31# और डायल करना होगा। उसके बाद आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कि कॉलर आईडी डिसेबल का मैसेज आ जाएगा। देखिए जस्ट वेट करते हैं, मैसेज आएगा, यहाँ पे मैसेज आता है कॉलर डीएक्टिवेट का। अगर इसके बाद अगर आपको कॉलर आईडी फिर से शुरू करनी है, ये देखिए आउटगोइंग कॉल्स IMSUs एक्सेप्शन कोड 83, ठीक है। अगर आपको कॉलर आईडी फिर से शुरू करनी है तो उसके लिए आपको *#31# डायल करना होगा दोस्तों। उसके बाद स्क्रीन पे आपके आ जाएगा कॉलर आईडी एनेबल हो चुकी है। ये है 6 सीक्रेट कोड। इससे आपको क्या होगा, आपका जो कॉल फॉरवर्ड है, सभी प्रकार के कॉल फॉरवर्ड जो है डीएक्टिवेट हो गए। अगर आपको लगता है कि आपका कॉल कहीं फॉरवर्ड हो रहा है तो आप इस कोड डायल करके डीएक्टिवेट कर सकते हैं *#002#। देखा, इस तरह मैसेज आ जाएगा कि डीएक्टिवेट हो चुके हैं। नेक्स्ट 7 है *2767 *3855#। इस कोड को डायल करने आपका फ़ोन रिसीट हो जाएगा, फ़ोन मेमोरी डिलीट हो जाएगी। इस कोड का इस्तेमाल जरूर पड़ने पर ही यूज़ करें, अन्यथा आपके फ़ोन का डाटा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं डायल करने रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मेट करना नहीं, सिर्फ आपको बताना है दोस्तों। नेक्स्ट कोड है 8 नंबर का *#**#0842। इस कोड की मदद से फ़ोन को वाइब्रेशन टेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए आपको पूरा लिखना होगा, मैं लास्ट लिखना नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे कोई टेस्ट करवाना नहीं। ये देखिए वाइब्रेशन हुआ। नेक्स्ट कोड है 9th नंबर *#*#3497153#*#*#. ये फ़ोन यूज़ कर, ये सीक्रेट कोड यूज़ करके आप आपकी कैमरे की फर्मवेयर जान सकते हैं, आपके कैमरे की पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।